इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान से आतंकी हाफिज सईद को लेकर ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान में हाफिज सईद को जहर देने की खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर यह खबर आज सुबह से वायरल है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर हाफिज सईद ट्रेंड कर रहा है। बताया जा रहा है कि हाफिज सईद आईसीयू में भर्ती है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये खबर वायरल है आज सुबह से। लगातार पाकिस्तान के अलग अलग ट्विटर हैंडल से ये जानकारी सामने रखी जा रही है। हालांकि इसको लेकर और पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हाफिज सईद को जहर देने की बात सामने आ रही है। साथ ही ये जानकारी भी दी जा रही है कि आतंकी हाफिज सईद आईसीयू में भर्ती है। लेकिन कौन है हाफिज सईद, आइए ये भी आपको बता दें। आतंकी संगठन लश्कर का सरगना है। मुंबई में 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था हाफिज सईद। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। पुलवामा हमले का भी मुख्य आरोपी है हाफिज सईद। भारत के अलावा कई देशों में आतंकवादी घोषित किया जा चुका है हाफिज सईद को। और हाफिज सईद को लेकर अब ये जानकारी मिल रही है कि उसे जहर दिया गया है और आईसीयू में भर्ती है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये खबर लगातार वायरल है ट्विटर पर। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर पीएम के बयान की शिकायत की। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया था।